मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मुझे वीज़ा मिलने वाला है, होप सो एक साल कम्प्लीट। हाँ अंकुश तेरा तो आया ही नहीं भाई, सच में नहीं आया। तुर्की का है वो, जॉब दे रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, होप यू आर डूइंग रियली वेल। तो आपने थंबनेल में देख लिया, मैं हर बार ये चीज़ें भी बोलता हूँ कि थंबनेल देख लो, आपको पता चल जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ। तो हाँ, अभी फ़िलहाल मैं और मम्मी आए हैं, पासपोर्ट सबमिशन के लिए। आज हमारा VFS में डेट है, नीदरलैंड्स के लिए वीज़ा अप्लाई किया था हमने, तो आई होप हम सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आ गए हैं, आई होप सब कुछ अच्छा रहे और हमें वीज़ा मिल जाए। वीज़ा मिल गया तो आपको वीडियो के एंड तक पता चल ही जाएगा, और नहीं मिला तो भी आपको पता चल जाएगा, बट वी रियली होप और आप भी होप करना कि हमें वीज़ा मिल जाए। और मिला तो बहुत बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि फिर आगे आने वाली सारी सीरीज़ यूरोप से रिलेटेड होगी, जहाँ पर मैं और मम्मी यूरोप एक्सप्लोर करेंगे। हम पहले भी गए थे 2018 में, अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हो तो आपने वहाँ पे देखा होगा, उस टाइम मैं ब्लॉग नहीं करता था। तो जैसा कि मैंने बताया, हम पहले भी गए थे बट इस बार फिर हम जाएंगे। नीदरलैंड्स मुझे बहुत पसंद है, उसके साथ और कुछ कंट्रीज़ क्लब करेंगे और वहाँ सब एक्सप्लोर करेंगे। तो चलो फटाफट जर्नी मतलब आज का दिन स्टार्ट करते हैं एंड चलते हैं VFS। कलेक्शन जब हम पासपोर्ट लेने आएंगे तो वहाँ लेने आएंगे। हाँ, तो पासपोर्ट कलेक्शन के लिए हम वहाँ आएंगे और सबमिशन के लिए एक बार पूछ लेते हैं। सर इस नीदरलैंड्स के लिए कहाँ पे? 11:30। ठीक है, थैंक यू। यार इतनी भीड़ है ना यहाँ पे, जैसे कि वीज़ा ऐसे बट रहे हो सबको। दे दिया, उनके पास है, जिनको दिया था। या तो हम लोग अभी सबमिशन करके आ गए हैं पासपोर्ट का, और अंदर वीडियो शूट नहीं करने दे रहे थे, कह रहे इट्स नॉट अलाउड, आप यहाँ पे शूट नहीं कर सकते हो। तो इनफैक्ट डिलीट भी करवाई बट वो लकीली आईफोन में डिलीट में रह जाती है तो बच गया मैं, इन्होंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, कमिंग बैक टू द पॉइंट, सबमिशन में कुछ ज़्यादा दिक्कत आई नहीं, जैसा कि बाकी लोग बोल रहे थे कि बहुत टाइम लग जाता है। अभी कार्ड नहीं है ना मेरे पास, अच्छा बहुत टाइम लग जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं रहा, स्मूथ प्रोसेस था। हमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगा होगा टोटल। बहुत कर्टियस थे, हेल्प किया कि जो डॉक्यूमेंट्स नहीं थे देवर लाइक यहाँ पे वैसे प्रिंट करवाने का 10 रुपीज़ लगता है, दे गेव अस सम स्लिप कि ये ले जाओ, आपको चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा, तो उससे भी हम बच गए। तो बट ये चीज़ों का ध्यान रखना, अपने डॉक्यूमेंट्स सारे कलेक्ट करके आना, सारे लेके आना, नहीं तो प्रिंट निकालना और फोटोकॉपी के बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं। पर आई डोंट नो क्यों, शायद मे बी एक पेज था इसलिए कुछ बोला नहीं, करवा दिया। बट या इन चीज़ों का ध्यान रखना। अब लेट्स होप एंड विश अस लक कि वीज़ा आ जाए, और वीज़ा आ गया तो बहुत मज़ा आएगा और ट्रैवल करेंगे। नहीं आया तो कोई बात नहीं, ट्रैवलिंग कौन सी रुक जाएगी, ट्रैवलिंग फिर भी होगी। चलो इसी के साथ इस वीडियो को तो मैं यहीं कंटिन्यू रखूँगा आपको दिखाने के लिए, बट हाँ यहाँ से निकलते हैं और घर जाते हैं। नाउ आई विल शो यू कि क्या होता है कुछ दिन बाद, तो वो सब आपको अभी आगे दिखेगा। 3 days later तो आफ्टर सो मेनी डेज आज ईमेल आ गया VFS से कि आप वीज़ा कलेक्ट करने के लिए आ जाइए। अभी मम्मी और मैं जाएंगे और कलेक्ट करके आएंगे, अभी तो उठे हैं, फिर आप ब्रेकफास्ट, उसके बाद रेडी होके चलते हैं एंड होपफुली आ गया हो वीज़ा। आ गया तो फिर अब तो यूरोप जाएंगे, आ गया होगा, आई हैव हाई होप्स।
तो आ गए हैं, अब यहाँ से जा रहा हूँ मैं पासपोर्ट लेने। मम्मी भी साथ में है मेरे। मम्मी ने कहा तू जितने कार पार्क करके आएगा मैं टोकन ले लेती हूँ। लिल एक्साइटेड, लिल नर्वस, मिक्स फीलिंग। हाँ, तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट, VFS ना आपको ऑप्शन देता है आपको पासपोर्ट घर भिजाने का भी, बट मुझे ये था कि पता नहीं कितना टाइम लगेगा पासपोर्ट आने में, तो बेटर मैं क्या करूँ कि यहीं पे रखवा देता हूँ, आके कलेक्ट कर लेंगे। वही किया है, अब होपफुली वीज़ा आ जाए यार, बहुत मन है। मम्मी को देखते हैं, गाय मम्मी से पूछते हैं कि हाँ जी कितने एक्साइटेड, कितने नर्वस, क्या हैं आप? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मुझे वीज़ा मिलने वाला है, होप सो एक साल कम्प्लीट। सेम, मुझे भी यही है, एक साल का मल्टीपल एंट्री मिल जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो चलते हैं और देखते हैं। आज हम यहाँ पे आई डोंट नो कितने दिन बाद आए हैं, काफ़ी दिन बाद आए हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। ये है पासपोर्ट कलेक्शन जहाँ से हमें मिलेगा पासपोर्ट। तो हम आ गए हैं पासपोर्ट लेके, हमें ऑलरेडी पता है इसके अंदर क्या है, बट हमने रिएक्शन शूट नहीं किया था क्योंकि ऊपर कैमरा अलाउड नहीं था। तो देखते हैं, एंड हियर वी गॉट द वीजा। मम्मी का तो आ गया, मेरा नहीं आया। मेरा भी आ गया, रिएक्शन देखना थोड़ा सा। अंकुश तेरा तो आया ही नहीं भाई, सच में नहीं आया। तर्की का है वो, जवाब दे दे। आया ही नहीं, नहीं आया। आगे होगा। अच्छा आया है, अच्छा दिखा। सो नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे हम यूरोप के लिए। द वीजा, दैट्स हाउ इट लुक्स। तो एज वी गॉट वीजा और हम ट्रैवल करेंगे बहुत जल्दी, बस वही प्लान कर रहे हैं बैठ के और घर जाके में यही सब करेंगे। एनीवेज इस वीडियो को अब यही एंड करते हैं। फॉर एनी रीजन वीडियो पसंद आई हो, कोई क्वेश्चन हो कि डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड थे, कैसे अप्लाई किया, क्या क्या चैलेंजेस आए, किसी किसी चीज़ से भी रिलेटेड, कमेंट डाउन बिलो या इंस्टाग्राम पे आके मैसेज करो। आई एम हियर टू हेल्प, हमेशा बोलता हूँ मैं। करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मेरी तो सुनते नहीं, वही नहीं कि सुन लो। चलो इसी के साथ मिलते हैं आगे आने वाली और इंटरेस्टिंग वीडियोज में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग गाइस।